हम दरभंगा की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से लोग सामाजिक संस्था एनजीओ वगैरह सब लगे हुए हैं। अभी देखा आपने, अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर स्टेशन की हालत है। अब चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं कि स्टेशन से बाहर निकलने पर क्या स्थिति अभी नज़र आती है। और हमारे सामने अभी एक गाड़ी दिख रही है, वो संस्था जो अभी खाना खिलाने के लिए दिखती है और वो आगे अभी और कई जगहों पर जाएगी और खाना खिलाएगी। तो ऐसी संस्थाएँ भी जो है सक्रिय हैं और लगातार वो लोगों को खाना खिला रही है। ये देखिए, ये हवाई पोखर की तस्वीर है कि झील जो है शांत है और जो है लोग जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। और यह झील की अपनी कहानी खुद बयां करती है, सुनसान वीरान पड़ी है झील, कोई इसे निहारने वाला नहीं है। और ये हम आ गए हैं विद्यापति चौक पर, और विद्यापति चौक की तरफ से मुड़ते हैं जब ये कटनवाड़ी की तरफ, तब के हालात देखिए किस तरह से। इधर MLSM कॉलेज है, इसी में स्वास्थ्य शिविर बनाया गया है, शिविर राहत आपदा राहत शिविर बनाया गया है। फंसे हुए लोग हैं जो किसी कारणवश लॉकडाउन में, उनकी सहायता के लिए बनाया गया है, रहने खाने की व्यवस्था के लिए सरकार इस पर प्रशासन जो है चला रही है और इसका DM खुद मुआयना करते हैं, देखते हैं। और इस तरीके से ये हम जब कटहलवाड़ी से निकलते हैं आगे, तो आगे जो है वो दिखाई देता है कि कुछ एक गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आता। और NGO की गाड़ी आगे जा रही है जो कहीं खाना पहुँचाने जा रही है और कहीं लोगों को खाना खिलाएगी। तो इस तरीके से ये हालत है कि कर्फ्यू जैसा आलम है यहाँ पर। राशिद हमारे सहयोगी है, राशिद आप बताइए कि किस तरह की हालत कभी आपने देखी है दरभंगा में? दरभंगा में इससे पहले तो सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू में भी नहीं दिखा है ये हालात, संक्रमण के वजह से थोड़ा संक्रमण के वजह से ये हालात। आप देखिए यहाँ पर ये NGO की गाड़ी आ गई है और यहाँ पर जो है ये गाड़ी तैयार है आगे जाने के लिए और हम भी आगे निकलते हैं। तो इस तरह से ये लोग लगातार कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब पूरा दरभंगा खड़ा है लोगों की मदद करने के लिए और NGO भी इसमें कम नहीं है? मुझे तो अपने स्तर से ये लग रहा है आइसोलेशन कोच को देख कर इतना भयावह स्थिति है कि आप अगर उन मरीजों का सोचिएगा कि इस कोच में रखा जाएगा तो सोच के डर लगता है कि स्थिति दिमाग में बन जाती है, पिक्चर का आता है कि क्या हाल रहेगा अगर ऐसा, अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा जो मरीजों की बढ़ती संख्या है तो ऐसे वो बढ़े नहीं कम रहे। और ये दुआ कर रहे हैं हम, वो ये आइसोलेशन और COVID-19 जो ट्रेन देख करके आए हैं उसको देख करके इनका अभी दिमाग में अभी भी वो कोच नज़र आ रहा है कि कैसे लोग रहेंगे, कैसे मरीज रहेगी। तो वो स्टेज थर्ड की स्टेज होगी जो फिलहाल नहीं है, तो आप घबराइए मत, अभी वैसी स्टेज नहीं आएगी। क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है आप तमाम लोगों से जो भी देख रहे हैं कि आप घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें। और हम लोग तो निकले हुए हैं आपको ये खबर पहुँचा रहे हैं, अगर आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारा भी मकसद है और हमारा संदेश है। दरभंगा रॉक्स का संगीत संदेश है कि हम निकले हैं आपको ये तस्वीर दिखाने, लेकिन आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। और कुछ और तस्वीर कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।